दावे के साथ कहता हूं दुनिया में कहीं कोई पागलखाना नहीं होगा।
आज जो लोग पागल हो जाते हैं वो इसीलिए, उनका कोई दुख सुनने वाला नहीं, उनका कोई दर्द बांटने वाला नहीं, उनकी तकलीफ में कोई शरीक होने वाला नहीं, कोई नहीं। आज हम इस कदर अपने आप में मस्त हैं, हर इंसान जो भी अपनी जगह है वो अपने आप में अगर मस्त भी होता तो ठीक है, मस्त नहीं हम मगरूर हो गए। अभी चंद दिनों पहले की बात है, एक साहब आए इस मोहल्ले के लिए, दूसरे मोहल्ले के लिए, दूसरी आबादी, गांव का नाम नहीं लूंगा, वो कभी नहीं आते थे, पुरानी शनाशाही थी लेकिन कभी आते नहीं थे, 4 साल में कभी नहीं मुलाकात की थी, जैसे आया दरवाजे पर दस्तक दी थी, इतने करीब 10-11 बजे का वक्त था, आया सलाम दुआ के बाद सीधे उसने ये कहा कि मेरे जो इमाम साहब हैं वो इतने बड़े हैं, चाहे क्या पता जाए मेरे घर नहीं जा सकते, किसी के घर नहीं जा सकते। बात क्या है आपकी, मसल आ गया, कहने लगे कि मेरे घर में हादसा हुआ, बच्ची बीमार हो गई, मैंने लाख कोशिश की कि इमाम साहब चल के सिर्फ थोड़ी देर दम करने, 5 मिनट लगे पैदल 2 मिनट के रास्ता, लेकिन वो नहीं गए, यही सिर्फ करते रहे कि आप बच्ची को लेकर यहाँ आए और बच्ची लेकर जाने की हालत में नहीं थी। मैंने कहा कि आप खुद से क्या चाहते हैं, लगे आप सिर्फ थोड़ा सा दम कर दीजिए मेरी बच्ची को, मैं साथ लेकर आऊँ। मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो बंदा जहाँ पर है वो अपने आप में इतना मगरूर है कि अपने प्रोटोकॉल से हटना नहीं चाहता, किसी को माफ करना नहीं चाहता, वो चाहे उलमा हो, अइमा हो या एक आम इंसान हो, जो भी है। अभी एक जगह पे मिलाद शरीफ में जाना हुआ, काफी सारे उलमा के नाम आए हुए थे वहां पर, कुछ सुलझाने के नाम, मैं जब किसी दबे का नाम देता हूँ तो अपनी जान पर न लें, खासतौर से जो मैं बात बयान करना चाहता हूँ, इसमें अल्लाह के फज़्ल से हमारे यहाँ के जो सुलझाने के नाम हैं कम अज कम उनके अंदर बतकाज़ा बशरियत बहुत सारी बुराइयाँ हो सकती हैं, कोई मासूम नहीं है, लेकिन ये बुराई नहीं है जो मैं बयान करने जा रहा हूँ। मैंने वहां खुद देखा कि सुलझाने के नाम 4-5 से वो स्टेज पर बैठ गए, बहुत सारे उलमा की आमद होने वाली थी, बहुत सारे हाफिज साहब आए, उनको नीचे बैठना पड़ा, उनको स्टेज पर जगह ना मिली, लेकिन वो हाजी साहब स्टेज से उतर कर नीचे, कम से कम हमारे यहाँ के हाजी साहब के अंदर ये बात थी, वो जहाँ जगह मिलती है वो बैठ गए। मतलब क्या है, अपने आप में हर इंसान मगरूर है और किसी को भी अपने आगे इज्जत नहीं देना चाहता, ना किसी को माफ करना चाहता, ना किसी के दिए हुए तकलीफ को भुलाना चाहता, और सिर्फ किसी एक तबके में नहीं है, उलमा में भी, अइमा में, आम लोगों में भी और पढ़े लिखे लोगों में भी, इबादत गुजार लोगों में भी, सब में ये चीज है। लेकिन अगर इस चीज को हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में देखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में देखें, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हवाले से क्या, लोगों को माफ करना, दरगुजर करना, लोगों को इज्जत देना, लोगों के साथ कहीं चला जाना। और उसने अजमेर के लोगों पर इतना टैक्स लगा दिया है कि जितनी जमीन की आमदनी नहीं होती उससे ज्यादा टैक्स देना पड़ता है, आप सिफारिश करते हैं। गरीब नवाज ने अपनी छड़ी उठाई, कहा चलो, और अजमेर से दिल्ली चल दिया पैदल। दिल्ली जब पहुंचे बादशाह को खबर हुई तो कहा हुजूर इतनी जहमत क्यों की, हुक्म दिया होता हम खुद हाजिर हो जाते। कहा नहीं, हुक्म दे देता काम हो जाता, लेकिन साथ चल के आने में ये जो किसान की दिलजोई हुई है ये कहां से होगा। मेरे वालिद ने बहुत सारा कर्ज लिया हुआ था, उनका इंतकाल हो गया और मेरे वालिद ने अपने पीछे 7 बेटियों को छोड़ा है, हमारे 7 बहन है, मैं अकेला कमाने वाला, सारे कर्जदार आज वो कर्ज मांग रहे हैं और हमारे बाप ने इतना फल नहीं आया कि मैं सबको पेश कर दे सकूं, सबका कर्ज चुका सकूं। नबी ने फरमाया चलो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, रिवायतों में आया कि बाप में जाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद
से बाप से फल तोड़ देते, जमा किया उसके बाद नबी ने फरमाया जाओ बुला कर ले आओ सारे फरजनाओं को। जब सारे आ गए नबी ने फरमाया एक तरफ से तौब तौब कर देते जाओ और एक अगर चुका दे जाओ। जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह कहते हैं मुझे खबर न लगी कि जिस वक्त तोड़ के फलों को जमा किया था उस वक्त ज्यादा थे या सारे कर्ज अदा करने के बाद ज्यादा थे। ये नबी का मोजज़ा है, लेकिन नबी की सीरत का ये पहलू भी हमें देखना होगा कि वो नबी जिसे बहुत सारे था, कायनात का सारा बोझ, कायनात की हर चीज, हर चीज की निगरानी, हुकूमतों के मामलात भी देखते हैं, तबलीग भी करना है, सब कुछ करना है, लेकिन उस नबी ने एक गरीब सहाबी को कहता اللہ تبارک و تعالی نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم فرمایا اور مصطفیٰ جان علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں تو جب بدر کا معرکہ ہوا تاریخ بڑی ہو گئی، یہ غزوہ بدر اسلام کی پہلی باضابطہ جنگ ہوئی اور اس میں بہت سارے کفار مارے گئے، بہت سارے قید کر دیے، ان کی سوچ سے بھی زیادہ، یہی وجہ ہے جس میں صرف 313 تھے مسلمان اور ادھر سے 1000 سے زیادہ کا لشکر تھا، اور بڑے بڑے سردار مکہ نے اپنے تمام سرداروں کو بھیج دیا۔ جب یہاں مارے گئے اور قید کر لیے گئے سارے بڑے بڑے سردار اور رشتے دار، تو طرف کا تصور تھا کہ جب کوئی بری خبر ہوگی تو ایک قاصد اپنے کپڑے پھاڑتا اور ایک کچر کی ننگے پشت پر بیٹھ کر چلاتا ہوا پوری آبادی سے گزرتا اور خبر دیتا، تو امیہ مارا گیا، عتبہ مارا گیا، ابو جہل مارا گیا، یہ سارے کے سارے سردار جب مارے گئے تو وہ جو قاصد تھا وہ مکہ پہنچا اور حرم شریف کے پاس کھڑے ہو کر اس نے اعلان کرنا شروع کیا، اے لوگوں امیہ مارا گیا، ابو جہل مارا گیا، فلاں سردار مارا گیا۔ تو وہاں پہ عائشہ سے پوچھے گا حدیث ہے خانے کا وقت کیا ہے، حدیث دراصل وہ جگہ ہے کہ پہلے خانے کا وہاں اس پوری جگہ کو گھیرے ہوا تھا، خانے کعبہ کی جو اچھا دیوار ہے وہ جو خانے کعبہ کی پہلی بنا کی جو پورے خانے کعبہ ہے، تو حدیث بھی اس کے اندر آتا ہے، یعنی حدیث بھی کعبے کا ہی حصہ ہے، لیکن آج چونکہ اس کی تعمیر چھوٹی ہو گئی تو اب وہاں پر وہ نشان لگا دیا گیا ہے یا دیوار بنا دی گئی ہے، تو اس کو حدیث کہا جاتا ہے۔ حدیث میں جانے کا مطلب کہ آپ کعبہ کے اندر چلے گئے، تو حدیث کے پاس بیٹھے ہوئے تھے دو انسان، ایک عمیر ابن وہب اور ایک صفوان ابن امیہ۔ صفوان ابن امیہ امیہ کا بیٹا جو امیہ بدر میں مارا گیا، اور عمیر ابن وہب وہ غالباً بھتیجہ تھا صفوان، تو یہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے، تو جب انہوں نے یہ نام سنا کہ امیہ مارا گیا تو ہنسنے لگے، کہتے ہیں یہ بات ہو گیا ہے، اتنے بڑے بڑے لوگ کیسے مارے جا سکتے ہیں، وہ تھوڑے سے مسلمان، چھوٹی سی تارا، ان کے پاس سب کو تلوار بھی نہیں، سب کو سواری بھی نہیں، سب کو کھانا بھی نہیں، پانی بھی نہیں، اور اتنے مضبوط کیسے ہو سکتے ہیں کہ مکے کے اتنے بڑے لشکر کو مار لیا ہوا۔ کہا ایسا کرو اس سے پوچھو کہ صفوان کا کیا ہوا، وہ امتحان لینا چاہتے ہیں، صفوان تو نہیں بیٹھا ہوا ہے۔ کہا کسے پوچھو کہ صفوان کا کیا ہوا، کہا صفوان تو خود ہے۔ کہا اس کا مطلب خبر سچی ہے، تو رونے لگے دونوں۔ جب رونے لگے تو عمیر ابن مطلب نے کہا کاش میرے ذمے بال بچوں کی ذمہ داری نہ ہوتی، کاش میرے ذمے عزت کی ذمہ داری نہ ہوتی، تو میں جاتا اور معاذ اللہ پیغمبر اسلام کو شہید کر دیتا۔ جب عمیر ابن مطلب نے یہ کہا تو صفوان نے کہا کہ ایسا کرو کہ تمہاری ساری ذمہ داری میں لے لیتا ہوں اور تم جاؤ اور یہ کام کرو، دونوں کے درمیان مشورہ ہو۔ عمیر ابن مطلب چلا گیا۔ اب ادھر مکے میں ہر بیٹھک میں ہر مجلس میں یہی تذکرہ چل رہا ہے، اس بات کوئی آسان بات تو نہیں، تمام بڑے بڑے سردار مارے جا چکے تھے اور جو باقی تھے وہ قید کر لیے گئے تھے، تو ہر معاملے میں اسی کا ذکر ہوتا تو صفوان ہر جگہ یہ کہتے کہ نقلی ایک اچھی خبر آئے، لیکن کسی کو بتا دیں۔ حضرت عمیر ابن وہب جو اس وقت مسلمان تھے، وہ اپنے گھر گئے، تلوار تیز کی اور تلوار میں زہر لگا، یہ قرآن کے شریعت تھا کہ اپنے ہتھیار پر زہر لگا دو کہ اگر
जब शस्त्र से ना मरे तो जहर से मर जाए। तो अपने तलवार में हथियार में जहर लगाया और उसके बाद चले गए मदीना शरीफ। मस्जिद नबी शरीफ के करीब पहुंचे तो हजरत उमर ने देख लिया, बड़ी तेज निगाह थी हजरत उमर, हर चीज को गलत समझ जाते थे। कहने लगे कि आया है जरूर कोई गलत इरादा लेकर आया, आपने पकड़ लिया। पकड़ ले गए मस्जिद नबी शरीफ के आकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने। तो नबी ने पूछा कि क्या बात है, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह ये आया जरूर कोई गलत इरादा होगा, मैं इसे मारना चाहता हूँ। नबी ने फरमाया छोड़ दो इसे, मेरे करीब लाओ। लेकिन हजरत उमर थे नबी के करीब तो जाने दिया, लेकिन नजर वही है कि पता नहीं क्या करता है। नबी का तलवार भी नहीं निकाली गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पास गए तो नबी ने पूछा क्यों है, क्यों आए हो? कहा मैं तो अपने भाई को लेने आया हूँ। उनके भाई भी कैद कर दिए गए। कहा मैं तो अपने भाई को लेने आया हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो है सच क्यों नहीं बोलते? कहा यही सच्चाई है। कहा नहीं, सच्चाई ये नहीं है, सच्चाई वो है जो हकीम में बैठ कर तुमने और सफवान ने प्लान बनाया। क्या तुमने ये मंसूबा नहीं बनाया कि मुझे अगर सही करोगे? क्या तुमने अपनी तलवार फला जगह पे तेज नहीं की थी? क्या तुमने अपनी तलवार के धार में फला जहर नहीं लगाया था? उसने जब ये सुना तो कहा वो सारी बातें बाद में आऊंगी, पहले मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान बना दे, इसलिए कि मैं गवाह नहीं देता हूँ कि उस वक्त मेरे मुसलमान के सिवा कोई नहीं था, सिर्फ हम दो। अगर आप ये बात जानते हैं तो यकीन आप मेरे की खबर देने वाले थी। अब यहाँ पर रुके, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मोजज़ा है। लेकिन बात देखिए, नबी जानते हैं कि फला आदमी मुझे कत्ल करने के लिए आता, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर हुक्म दे दे कि इसे मार दो, ये मुझे कत्ल करने आया, ये हुक्म गलत तो नहीं होगा? लेकिन नबी ने क्या किया, नबी ने उसे मारने का हुक्म नहीं दिया। हजरत उमर जो जलाल के कहा रहे थे उन्हें भी रोक दिया, कहा आने दो, करीब आने दो, अगर चेकअप देखा इरादा लेकर आया है, लेकिन यहाँ से मुसलमान जो कत्ल करने आया उसे भी माफी दे दी। हम माफी दे सकते हैं? हम किसी को इस तरह से माफ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन नबी किसी तरह अगर पढ़ते हैं आप तो आपको ये सारी चीजें देखनी होगी। और जब इधर उमैर इब्न वहब मुसलमान हो गए तो उधर तो सफवान इंतजार में थे कि कब जल्दी से खबर आती है कि उमैर ने अपना काम कर दिया। उन्हें जब खबर मिली तो उमैर को मुसलमान हो गए, उन्होंने अपना सब किया, उन्होंने कसम खाली कि जिंदगी में कभी भी मैं उमैर से बात नहीं करूंगा। उसके बाद जब फतह मक्का हुआ, मक्का शरीफ फतह हुआ, तो उस वक्त सफवान इब्न उमैया ये उन आठ लोगों में से हैं जिनके बारे में नबी ने फरमाया था कि सबको अमान है, लेकिन ये आठ लोग जहां भी पाए जाएं उनको कत्ल कर दिया। अगर ये खाने काबा के सहन में क्यों न पाए, खाने काबा की गालियों के साथ क्यों न पाए, जलाते काबा में क्यों न पाए जाए, उन्हें वही कत्ल कर दिया। लेकिन ये सफवान इब्न उमैया ये भाग्य मक्का शरीफ बाहर चले गए, खूब दूर चले गए। बाहर चले गए तो उमैर जो थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने गए थे, मुसलमान हो गए थे, वो तो दोस्त थे सफवान के। हजरत उमैर ने कहा या रसूल अल्लाह सफवान भाग गया है और वो यकीन दरिया में डूब जाएगा या पता नहीं कहाँ चला जाएगा, ऐसा कहें कि आप उसके लिए अमान दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ठीक है मैं अमान देता हूँ जब तुम सिफारिश करते हो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अमान दे कहा, दो महीने की अमान दे। अमान देने का मतलब यह हुआ कि अगर मुसलमान के एक बच्चे ने भी अमान दे दिया तो हम सारे मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि उस शख्स की हिफाजत करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमान अमान किसको दिया, सफवान। एक और सफवान है जिन्होंने नबी के कत्ल का इरादा, नबी के कत्ल का मंसूबा बनाया। सफवान भाग कर चले गए, मक्का से बाहर चले गए। उमैर जब गए पीछे पीछे तो सफवान के साथ उसका गुलाम था यसार था। उन्होंने कहा यसार देखो तो ये अब क्या लेने आया है मेरे पीछे, क्या ये मेरी जान लेकर ही रहेगा? उमैर जब वहां गए कहा मुझसे बात कर, तूने मुझे धोखा दिया, कह के गए थे कि मोहम्मद अरबी को शहीद करोगा, वो जाकर उठी के गुलाम हो गए। कहा यार तू कैसी बात करता है, मैं ऐसे शख्स के पास से आ रहा हूँ जो दुनिया में सबसे ज्यादा सच्चा, जो दुनिया में सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, जो पूरी कायनात में सबसे अच्छा इंसान, चल तू उसके पास चल, करीब तो चल, पता चलेगा तुझे। सफवान ने कहा कि नहीं मैं नहीं जाता, वो तो मुझे मारने दे। तो उमैर ने कहा कि मार नहीं देंगे, हमने तुम्हारे लिए अमान हासिल कर लिया है। सफवान ने कहा मुमकिन ही नहीं है, वो मुझे अमान कैसे दे, मैं उनकी जान का दुश्मन, वो मुझे अमान नहीं दे सकते। उमैर ने कहा कि
उन्होंने अमान दिया है, कहा कोई निशानी लेकर आओ, तभी मेहमान होगा हमेर वापस गए। मुत्तशी नबी से कहा या रसूल अल्लाह, उसे यकीन नहीं होता, कोई इंसान चाहिए उसे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना वो अमामा शरीफ उतारा, जो अमामा बांध कर आप फतेह मक्का के वक्त मक्का शरीफ में लाते हुए रवायत में आया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतेह मक्का के दिन अपने सर मुबारक पर काला अमामा बांध रखा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना अमामा उतार दिया, कहा जरूर उसने ये देखा होगा, ले जाओ। जब हुमैर अमामा लेकर पहुंचे वहां और देखा, सफवान ने कहा ये खुदी का अमामा, कहा अब तो यकीन हुआ, कहा यकीन हुआ। चले साथ जब पहुंचे मक्का शरीफ, तो उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अस्र पढ़ रहे हैं। सफवान कहने लगे मुसलमान कितनी नमाज पढ़ रहे हैं? कहा पांच वक्त। कहा ये नमाज पढ़ रहे हैं? कहा वैसे ही सवा की पड़ी है, उतरे नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सलाम किया तो कहा सफवान नीचे क्यों नहीं उतरते? कहा मैं उस वक्त नहीं नीचे उतरूंगा जब तक आप साफ साफ बात नहीं बता दें। कहा क्या बात है? कहा उमैर ने मुझे ये बताया है कि आपने मुझे 2 महीने की मोहलत दी है और अमान दिया है 2 महीने में, अगर मैं मुसलमान ना हूं तो आप क्या करें? नबी ने फरमाया तुम्हारे लिए 2 महीना है, 2 महीना सोच लो, उसके बाद जो होगा तुम कर सकते हो, बल्कि 4 महीने के लिए मैं अमान देता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमान दे दिया। कहा ठीक है, उतर गए मक्के में रहने लगे। और आप पढ़िएगा तो उतर के मक्का का फौरन बाद हवाजन साहब तक हुई फिर लहवा साहब। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जंग के लिए जाने लगे फतेह मक्का के बाद, तो आपको मालूम है सफवान कोई आम इंसान नहीं, सफवान मक्का के लश्कर के हथियार के खजांची, यानी पूरे शहर मक्का के लश्कर का पास जो हथियार होता था वो आपकी निगाह में होता था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सफवान ऐसा करो मुझे कुछ तलवारें चाहिए, कुछ हथियार चाहिए हो मुझे दो। तो सफवान कहने लगे कि आपको बातें बंद कराए, चाहे तो आप दे चाहे तो आप जबरदस्ती ले। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं जबरदस्ती नहीं ले रहा, मैं आयतन ले रहा हूँ, मैं इसका तलवार दूंगा, मेरे एक भी तलवार टूटी तो मैं उस तलवार की मदद करूँगा। सफवान ने कहा ठीक है ले। सफवान का दिल पिघलने लगा। सफवान कहते हैं कि जब लश्कर इस्लाम चला तो मैं मुसलमान नहीं हुआ था, लेकिन मैं भी पीछे पीछे हो गया। ये वो बंदा है जो मुसलमान नहीं हुआ लेकिन इस्लाम की खिदमत के लिए लश्कर इस्लाम में शामिल हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लश्कर में गए, जंग हुई, बड़ी शदीद जंग हुई, बहुत सारे मुसलमानों के दर्द उखड़ गए। लेकिन जंग के बाद जब वापसी होने लगी तो वाले दुश्मन बहुत मार लगा मुसलमानों की, पूरी एतबार की बकरियों से जानवरों से भरी हुई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सफवान ये सब तुम्हारा है। सफवान ने कहा अल्लाह ये इतनी बड़ी हिम्मत सिवाय नबी ने कोई नहीं कर सकता, मक्के बाद में जाएंगे पहले का माफ पढ़ा कर मुसलमान समझे। सफवान मुसलमान हो गए, किसको माफ किया नबी ने? ये वो बंदा है जिन्होंने नबी को कत्ल करने का मंसूबा बनाया, नबी को कत्ल करने की साजिश की। एक और बंदा जिनका नाम था शहर मक्का के फतह के लिए जहां भी मिले उसे माफ कर, नाम था अब्दुल्लाह इब्न साबित ने अबू सरा या अब्दुल्लाह इब्न साबित, ये वो हैं कि मुसलमान हुए पहले अल्लाह के रसूल ने इनको वही की किताबत की जिम्मेदारी जो कुरान शरीफ नाजिल होता था वो लिखना बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, बहुत मखसूस सहाबा को दी जाती थी। लेकिन ये मुसलमान हुए वही की किताबत की जिम्मेदारी मिली, उसके बाद फिर ये मुद्दत हो गए शहाबी मरतबे में आ गए और भाग कर मक्का चले गए और फिर से काफिर हो गए। और इन्होंने बड़ा काम बुरा काम ये किया कि वो मक्के में जाकर ये कहते थे कि मैं आयत लिखता था तो मैं उसकी जगह ये भी लिखता, हालांकि ऐसा मुमकिन नहीं है, इसलिए कि कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी रब तबारक व तआला ने अपने से नए कर्म पर रखी। ये बड़ी बात थी कि आप बुनियाद को खराब करना चाह रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में बहुत दिया था, जहां मिले मक्का के खिलाफ में भी लिखते हुए वो मोहनी मारो। ये भी मक्के से भाग कर फतेह मक्का के लिए चले गए। चले गए तो ये रिश्ते में हजरत उस्मान गनी के रजाई भाई, ये दोनों ने एक इमारत को किया। मुसलमानों के अंदर रहम दिली होती है, मुसलमानों के अंदर खैर सारी होती है, इतना बड़ा दुश्मन इस्लाम है। लेकिन हजरत उस्मान गनी नबी की बारगाह में जाकर कहने लगे या रसूल, वो मेरा रजाई भाई है, उसे हाथ दे दें, उसे वापस मत के बुला कर पाते हैं। नबी ने फरमाया ठीक है जाओ लेकर आओ, मुझे जब लेकर आया गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें भी मांगा और उन्हें बख्श दिया
और उन्होंने दोबारा से कलमा पढ़ा, फिर वो के मुसलमान और फिर ऐसे मुसलमान रहे कि लश्कर इस्लाम की हयात। ये सर जी ने क्या बता दिया कि हमें एक दूसरे को माफ करने का हुनर सीखना है, हमें अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजें आनी हैं उन्हें माफ करना हो। और ये तो कुछ नहीं जो मैं बात आगे सुनाने वाला, आपने पढ़ा होगा मुझे दर्शी के बारे में, हजरत अमीर हमदर्द शहादत के बारे में अगर आपने पढ़ी हो, यकीनन करबला में इमाम हुसैन की शहादत बहुत ही दर्दनाक थी, लेकिन अमीर हमदर्द की शहादत भी कोई कम नहीं। हजरत अमीर हमदर्द रजी अल्लाह तआला को जब शहीद किया गया तो आपकी गर्दन काटी गई, आपकी जुबान काटी गई, आपका कलेजा चीर कर आपके कलेजे के अंदर सब कुछ निकाला और निकाल कर उसको चबाने की कोशिश की। और चबाने की कोशिश इसने की हजरत हिंदा ने जो अबू सुफियान की बीवी और उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुई और उस लश्कर की क़यादत करने वाले कौन थे, अबू सुफियान। अबू सुफियान लश्कर किसी के सरदार, अबू सुफियान की बीवी अमीर हमजा जो नबी के अपने चचा हैं उनका सीना और कलेजा चबाने पड़े। और अमीर हमजा को शहीद करने वाला कौन है, हजरत वहशी जो उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए। ये तीन लोग, इन तीनों लोगों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी माफी दी। आप देखें हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद हजरत सुफयान इब्न हर्ब, हजरत सुफयान को अल्लाह के रसूल ने फतह मक्का से क्या इजाजत फरमाया, आपने फरमाया जाओ मैंने तुझे माफ किया और कलमा पढ़ते हो तो ये एहसास देता हूँ कि जो तुम्हारे घर में पनाह लेगा उसे अमान, जो तुम्हारे घर में पनाह लेगा उसे अमान दी जाती है। और हजरत हिंदा जिन्होंने कलेजा दबाने की कोशिश की थी अल्लाह के रसूल ने उन्हें भी माफ किया और वैसी पे पकड़ के लाए गए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। तो अजीब सा मामला होता है, वो इंसान आया है जिसने सबसे अजीज सजा को शरीक, जिन्होंने बाजुबन के दिखाया था नबी का, पहला मौके पर साथ दिया था नबी जनाबे अबू तालिब के बाद, अगर अपने सजाओं में से ज्यादा साथ दिया तो हजरत अमीर हमजा ने बहादुर जो शेर थे। लेकिन जब हजरत वहशी आए तो कहने लगे कि आप तो माफ दे माफी करने वाले, आप तो लोगों को बख्शने वाले, आप सजा कैसे दें, कहा चाहते थे आप कहा मैं भी माफी मुझे भी बख्श दें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें भी बख्श, हजरत वहशी को भी बख्श दिया। और हजरत वहशी जब मुसलमान हुए तो ऐसे पक्के मुसलमान हुए कि जब मुसैलमा कज़्ज़ाब ने दावत नजाब नबूवत किया तो आप गए उस जंग में और आपने मुसैलमा कज़्ज़ाब को मारा और उसके बाद आप कह देते कि मैंने आलम कुफ्र में दुनिया के सबसे अच्छे इंसान को मारा और जब मैंने कलमा पढ़ा दुनिया के सबसे बुरे इंसान जिसने अपने सगे चचा के कातिल को मार दिया वो हमारा इसने चचा के कलेजे को चबाने वाली औरत को माफ किया और न सिर्फ माफ किया बल्कि सहाबियत का दर्जा भी अदा फरमाया वो हमारे थे, ये कोई आसान तो नहीं होता। अच्छा इंसान अपनी जाती तकलीफ को कभी कभी भुला देता है लेकिन जो हमारे मिशन को नुकसान पहुंचाए और इंसान अगर मिशन के साथ मुखलिस हो तो उसे जल्दी माफ नहीं कर पाता। लेकिन अगर आप पढ़िए तो फतेह मक्का में ही आपको बहुत सारे रिवायतें मिल जाएंगी। एक सहाबी है हजरत हातिम इब्न अबी बल्दा बदरी सहाबी, बदरी जन्नती सहाबी, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतेह मक्का का इरादा फरमाया तो हजरत हातिम इब्न बल्दा ने खत लिखा और खत का किसके नाम, मक्का वालों के नाम, और खत लिखा कि मैं नहीं जानता कि नबी कहाँ जाने वाले हैं लेकिन लगता है जैसे कोई बड़ी जंग का इरादा है, अगर तुम्हारी तरफ गए तो तुम रोक न सकोगे। बोला एक तरह से मुखबिरी कर जासूसी कर, ये कोई आम बात नहीं है, पूरे लश्कर की खबर भेज दी हजरत हाकिम ने अली बता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर हो गई। हजरत अली और उस मां का बुलाया कहा जाओ रजे खास एक जगह है मक्का और काबा के बीच, कहा वहां पर एक औरत होगी उस औरत के पास एक खत है उसे लेकर आओ। हजरत अली और हजरत सलमान पास दोनों यहाँ पर एक बात गौर करने वाली है, हातिम इब्न अबी बल्दा ने खत भेज दिया वो औरत चली जा रही है ऊंट पर सवार हो, हमारे नबी को पता है कि किसने खत लिखा, हमारे नबी को पता है कि खत लेकर जाने वाला कौन है, हमारे नबी को ये भी पता है कि जब अली और सलमान उसको पकड़ेंगे तो किस जगह पर वो औरत मौजूद हो। आप अगर यहाँ से नाची गया एक इंसान
और पीछे से किसी को भेजते हैं तो आप ये नहीं कर सकते दावे के साथ कि कहां जाकर मुझसे मिलो। लेकिन नबी ने फरमाया ना, खुला जगह पर वो औरत मिलेगी और उसके पास खत है, वो लेकर आओ। हजरत जब वहां पहुंचे तो ठीक उसी मकाम पर औरत मिली। आपने कहा खत का तो कहा मेरे पास कोई नहीं। हजरत अली ने फरमाया दुनिया इधर उधर हो सकती है, नबी का फरमान गलत नहीं हो सकता, तुम खत निकालो वरना हम तुम्हें कपड़ा उतार देंगे। उस औरत ने खत निकाला। खत लेकर जब नबी की बारगाह में हाजिरी हुई तो हजरत उमर जलाल में आ गए, कहने लगे या रसूल अल्लाह मुझे इजाजत दें, मैं हातिम की गर्दन उड़ा देना चाहता हूँ। नबी ने फरमाया उमर ठहरो, ये हातिम कोई आम इंसान नहीं है, ये हातिम बदरी साहब जिनके बारे में अल्लाह ने फरमाया इतना बड़ा जुर्म क्यों किया, इतनी बड़ी मुखबिरी क्यों की? हाजिर कहने लगे या रसूल आप जहां का इरादा फरमाएं यकीन अल्लाह ताला आपको सजा अदा करता है। लेकिन बात यह है कि हमने खत किस लिए लिखा कि जितने भी यहाँ सहाबा हैं उन उनमें से जिन जिन लोगों के घर वाले मक्के में रहते हैं वहाजिर, तो वो इतने मजबूत हैं कि वो अपनी हिफाजत खुद कर सकें। लेकिन मेरे तो बाल बच्चे मक्के में हैं तो उनकी हिफाजत करने वाला कोई नहीं। तो मैंने ये सोचा कि अगर मैं ये खत लिख दूं तो मक्के वालों को मुझसे हमदर्दी हो जाएगी और जब आप हमला करेंगे तो वो हमारे बाल बच्चों की हिफाजत करेंगे और हमारे बाल बच्चों को नहीं मारेंगे। मेरा मकसद सिर्फ ये, और मैं ये जानता हूँ कि आप बिना क्या वो करेंगे, अल्लाह ताला आपको पता होगा। नबी ने फरमाया है उमर आप ठीक कहते हैं और उनका कोई इनको रब तबारक व तआला ने माफ किया। हम भी से एक मिशन के साथ जब कोई इस तरह का काम करता है तो हम उसे बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे भी माफ़ी दी और उसे भी सफाई का मौका अता फरमाया। आज हमारे यहाँ मसला ये है कि अगर किसी पर कोई इल्ज़ाम लगा हम उसे माफ़ी नहीं देना चाहते। अगर हमारे अंदर किसी भी शख्स पर, वो चाहे इमाम चाहे वो मौलवी हो चाहे वो हमारे यहाँ का जिम्मेदार हो चाहे मुसल्लर हो सेक्रेटरी हो या आम इंसान हो या एक आम नमाज़ी हो कोई भी हो, किसी के बारे में कोई एक बात सुनकर कहीं से भी हम उस पर यकीन कर लेते हैं और उसी पर हम अपना फैसला साबित करते हैं। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हर कदम पर हमें यह दर्स देती है कि अपनी जिंदगी में अगर खुशी चाहते हैं तो आपको इन बातों को देखना या एक दूसरे के साथ बात करें, दूरी न बनाए दूसरी चीज ये एक दूसरे को माफ कर सकें। इसी बात ये दूसरों का एहसान याद रखें, अपना क्या हुआ एहसान आप भूल जाए भूल जाए, लेकिन दूसरे जो आपके साथ एहसान किया वो याद रखें और जो आपने किसी के साथ बुराई की है उस बुराई को याद करके हमेशा आपको शर्मिंदा होना चाहिए, रब से माफ मांगनी चाहिए और जिसके साथ आपने बुराई की है उससे माफ मांगनी चाहिए। जब आप ये सब करते हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर मुकम्मल तौर से आपका मन पैदा होता है और अगर ये सब कुछ नहीं करते तो आपको सोचना चाहिए कि नबी की सीरत के हवाले से कहाँ हो। परवरदिगार आपकी बात का हम दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को नबी की सीरत पर अमल पैदा होने की तौफीक अता फरमाए। आइए पढ़ो।